में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें डायरेक्ट कह रहे हैं कि ना तो हम वैश्य समाज के यहाँ जाएंगे और ना ही कुर्मी के यहाँ जाएंगे, इस पर आपका क्या टिप्पणी रहेगा और ये कहाँ तक सही? मुझको लोगों ने कहा पटेल टोला चलिए, हमने कहा तीन के यहाँ नहीं जाएंगे, वैश्यों के यहाँ नहीं जाएंगे, कुर्मियों पटेलों और कुशवाहों के यहाँ नहीं जाएंगे और राजपूतों के यहाँ नहीं जाएंगे। वैश्य जाने और जाने मोदी जी और अमित शाह जिसने हमको भेजा है, साफ बात लवकुश जाने और जाने नीतीश कुमार जिसने हमको भेजा है। देखिए किसने किस अहंकार में ये बात को कह रहे हैं जी। ये तो देखिए जो राजनीति जो होती है वो सेवा भाव से की जाती है जी, बिल्कुल। आज आप कैंडिडेट हैं, आपको जनता से वोट, वो जनता मालिक है और उनसे आपको आग्रह करके वोट मांगना चाहिए, विश्वास दिला के वोट मांगना चाहिए कि भाई आपके सुख दुख में मैं आपके काम आऊँगा। जो व्यक्ति आज वोट मांगने नहीं जा सकता किसी के दरवाजे पे, जब वो उनके घर में कोई मुसीबत आ जाए जो वोटर्स है तो वो उनकी मदद में भी नहीं जाएंगे, यही मतलब हुआ ना? यही तो ये उनकी अपनी सोच है राजनीति को लेकर के किस रूप में लेते हैं। और मैडम आपका जो ये है सीहोर लोकसभा क्षेत्र से आपका मैनिफेस्ट क्या रहेगा सीहोर के जो जनता है और जो युवा है? मात्र रहेगा सीहोर का विकास, सीहोर का विकास, जितनी भी चीजें आती है विकास जो सही मायने में विकास के मतलब को सार्थक करती है वो तमाम चीजें उसमें इंक्लूड होंगी। मुखिया जी के सम्मानित कर दिया जाएगा। बिल्कुल मैडम, आखिरी सवाल ये रहेगा मैडम, इतनी कड़कती धूप में भी आप लगातार जनसंपर्क में लगी हुई है और लगातार इतना मेहनत कर रहे हैं, आपके पीछे तमाम समर्थक भी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मुखिया जी का जनता भी तो वही धूप झेल रही है। बिल्कुल ये कड़कती धूप जिसमें मतलब शरीर को झुलसा देने वाली भी गर्मी है अभी, और फिर भी आप लगातार मेहनत करी, इतना मेहनत कैसे कर पाती है? नहीं नहीं काम मेहनत का क्या है, इनकी हिम्मत में कर लेती हूँ, जनता का हिम्मत हो जनता का प्रेम हो तो हमें। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।